आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, इसमें जानेंगे गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को रोककर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इसके बाद गोली चला दी। गोली लगने से 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं एक युवक को लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया, जिसका इलाज गोपालगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। गोली लगने से जख्मी युवकों में सिवान जिले के बढ़ड़िया थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह गाँव निवासी जवाहिर शाह के बेटा जयप्रकाश शाह, बलराम शाह का बेटा नीरज शाह के अलावे लाठी डंडे और चाकू से जख्मी युवक बीरंगी शाह के बेटा रोहित कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि जख्मी रोहित ने दिए गए फर्द बयान में लकड़ी दरगाह गांव निवासी जयप्रकाश शाह के दोस्त थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव निवासी पवन कुमार ने फोन कर मीट के पार्टी देने को बुलाया था। जयप्रकाश शाह अपना भांजा रोहित और चचेरे भाई नीरज के साथ में लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव गया था। वापस लौटने के दौरान नारायणपुर गांव के पास पूर्व से घात लगाए नामजद 5 लोग, जिसमें पवन भी शामिल था, इसके अलावे 10 से 12 लोग अज्ञात कार और मोटरसाइकिल लगाकर सड़क पर खड़े थे। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार जख्मी वहां पहुंचे, तभी आरोपियों ने लाठी डंडी और चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद गोली चली। गोली लगने से 2 लोग जयप्रकाश शाह और नीरज शाह जख्मी हो गए। वहीं रोहित कुमार किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और स्थानीय लोगों को सूचना दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी जख्मियों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद नीरज और जयप्रकाश की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि जख्मी रोहित का गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में SP शरण प्रभात ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में 2 पक्ष किसी बात को लेकर नारायणपुर गांव में जुटे थे। एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 6 लोग थे। वाद विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाई गई। तीनों जख्मी हुए। तीनों युवक सिवान जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया कि दूसरे पक्ष के लोग सिवान के रहने वाले हैं, कुछ लोकल भी हो सकते हैं। अब तक पूछताछ से प्रतीत हो रहा है कि पैसे के लेन देन बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है। SDPO सदर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। SIT में CI सदर, नगर थाना अध्यक्ष थावे, माझागढ़, मीरगंज, कुचायकोट, SHO, DIU प्रभारी शामिल हैं। हम लोग जान बचा के हम भागे और भैया जब गोली लगा। कितने लोग गोली लगी? 2 आदमी। अच्छा, तो आपको कैसे लगा? वो हमको जिसे में बूंद वगैरह मारा वाला रहा है लाठी से, जैसे आप लाठी से मारा लो, मेरा मुंह बांध दिया था। चाकू मारा। हथुआन मंडल की पुलिस ने बहुत बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कांड में शामिल अंतर जिला बाइक चोर गिरोह में शामिल 8 बाइक चोर गिरफ्तार भी किए गए और 12 चोरी की बाइक बरामद की गई है। इस कांड के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक शरण प्रभात ने मीरगंज थाने पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2 दिनों पहले गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मण टोला से एक व्यक्ति संजीत गोस्वामी साकिम हुसैपुर थाना भोरे को एक बिना नंबर का उजले रंग की अपाची के साथ पकड़ा गया तथा उसके अपराध स्वीकृतों के बयान पर गुड्डू चौहान के पास से 3, अमन शाह के पास से 2, सफी आलम के पास से 1, तारिक अंसारी के पास से 2, ओम प्रकाश चौहान के पास से 1, बीरू खट्टी के पास से 1, कुंदन माझी के पास से 1, 12 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। ये पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि ये सभी आरोपी सिवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश से गाड़ी चोरी कर लाती हैं और यहाँ बेचती हैं। इनमें से कुछ आरोपियों पर पहले से भी अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से जो 1 दर्जन मोटरसाइकिल पकड़ी है, उसके मालिकों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और गिरफ्तार सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी में मुख्य रूप से हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुराग कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर ललन कुमार तथा मीरगंज, भोरी और शेरपुर OP थाना की पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है।
गोपालगंज जिले में निर्मित बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म भूचाल अब जल्द ही दर्शकों को रूपहले पर्दे पर देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी 26 मई को ये फिल्म गोपालगंज के सरस्वती सिनेमा में प्रदर्शित होने जा रही है। इस फिल्म का इंतजार सिनेमा प्रेमी को काफी बेसब्री से था और ये इसलिए हुआ कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग गोपालगंज जिले में हुई है, जिसमें बरौली का दियरा क्षेत्र तथा माझा का हरिओम फीड्स और गोपालगंज शहर का अंबेडकर चौक, अरार मोड़ तथा शहर के नजदीक विदभेरवा और गोपालगंज का गोपाल मंदिर और उसके आसपास का इलाका इस फिल्म में काफी सुंदरता के साथ दिखाया गया है। दर्जनों कलाकार गोपालगंज के इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देंगे तथा इस फिल्म में मुख्य अभिनेता सत्येंद्र सिंह भी बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव के निवासी हैं। इसके पहले भी सत्येंद्र सिंह लावारिस, हमके दारू ना मेहरारू चाही, डॉक्टर बाबू जैसे एक दर्जन से अधिक फिल्मों में वे अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं तथा और भी कई बड़ी भोजपुरी फिल्में उनकी बनकर तैयार हैं जो जल्द ही रिलीज होगी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन निधि झा हैं, तो वहीं खलनायक की भूमिका में हीरा यादव तथा राजप्रेमी दिखाई देंगे और ये फिल्म काफी बेहतर बनी है। इसमें एक्शन, इमोशन तथा बेहतरीन गीत संगीत और जोरदार संगम है जो लोगों का पूरा मनोरंजन करेगा। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS Public School and Pratap Coaching Center, Ramnath Path, Saraswati Nagar, Ward Number 12, Gopalganj. क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल सिनेमा रोड गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBSE पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ सेंट पॉल्स स्कूल सासामुसा गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10th, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल थावे रोड गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध, लैप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निर्शुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस, निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड थावे गोपालगंज।
गोपालगंज सदर प्रखंड के बस्टीला बाजार में रविवार को आधी रात में आग लगने से एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। साथ ही इस घटना में पीड़ित परिवार का कपड़ा, ज्वेलरी और नकदी तथा खाने पीने का भी सारा सामान और आवश्यक दस्तावेज एवं बच्चों की पुस्तक, फर्नीचर इत्यादि भी जलकर राख हो गया। घटना में पीड़ित बहारन शाह ने बताया कि उनके पक्का मकान में प्लास्टर का काम चल रहा था, इस वजह से वे अपने घर का सारा सामान निकालकर घर के पीछे एक फूस के बंगले में रख दिए थे और आगे 2-3 कमरों का पक्का मकान है जिसकी रिपेयरिंग चल रही थी। इसी दौरान आधी रात में उनके पुराने झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि सारा सामान जलकर राख हो गया। किसी तरह जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि उनके द्वारा बार बार स्थानीय थाना तथा अग्निशमन दल के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु मोबाइल स्विच अब बता रहा था। 112 नंबर पर भी इसकी सूचना दी गई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से ही आग बुझाया गया, तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार काफी स्तब्ध है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक द्वारा समारोह सभा कक्ष में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक मीरगंज अंचल, सभी थाना अध्यक्ष, ओपी प्रभारी, अपर थाना अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी शाखा प्रभारी की उपस्थिति में माह अप्रैल 2023 का मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में कई बातों का समीक्षा किया गया, जिसमें प्रत्येक थाना में थाना अध्यक्ष के अतिरिक्त एक अपर थाना अध्यक्ष रहेंगे, जो थाना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में थाना की दैनिकी के प्रभार में रहेंगे। साथ ही उक्त अवधि में थाना पर आए हुए प्रत्येक आगंतुकों से व्यवहित तरीके से बात करते हुए उनकी समस्याओं का निदान प्राथमिकी सहित करेंगे। थाना अध्यक्ष, अपर थाना अध्यक्ष थाना परिसर में ही अपना आवासन रखेंगे। आवास के अभाव में थाना से 200 मीटर की क्षेत्र में ही अपना आवास रखेंगे। थाना पर आए वादी, वादिनी के प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत उन्हें प्राथमिकी की एक कॉपी नियमित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। थाने पर आए आवेदन की आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए उन्हें पावती पत्र भी निर्गत करें तथा प्राप्त किए गए आवेदन पर 15 दिनों के अंदर जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। किसी भी आवेदन को थाना परिसर में 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुका न जाए। थाने पर आए आवेदक को थाना परिसर में बैठाएं तथा प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनवाई करेंगे। ग्राम अपराध पंजी, ऐसे अपराध कर्मी जो महत्वपूर्ण कांडों में आरोप पत्रित हैं, उनका नाम तथा ग्राम अपराध पंजी में अंकित किया जाए। प्रतिवेदन 2 में सत्य पाए गए अभियुक्तों का नाम, पता ग्राम अपराध पंजी में अंकित करेंगे। थाना अंतर्गत सभी शराब माफियाओं का नाम ग्राम अपराध पंजी में अंकित किया जाए। टॉप 10 अपराध कर्मी की सूची ग्रामवार तैयार किए जाए, ताकि चयनित अपराध कर्मी के विरुद्ध सप्ताह में 3 बार थाना अध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 बार छापामारी करेंगे। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुख्यात अपराध कर्मी के विरुद्ध 1 बार छापामारी किया जाएगा। चक्रा ऐप, सभी थाना अध्यक्ष चक्रा ऐप इंस्टॉल करेंगे, साथ ही अपराध कर्मी का आपराधिक इतिहास अपलोड करेंगे। नियमित रूप से चक्रा ऐप के माध्यम से अपराधियों की पहचान करते रहेंगे। धार्मिक पर्व त्योहारों पर डीजे का प्रयोग पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। सभी डीजे संचालकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए वित्तीय क्षमता के अनुरूप अधिकतम 5-10 लाख तक बाउंड डाउन हेतु प्रस्ताव भेजें। थाने पर आए आगंतुक आवेदकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। जिन थाना में आरओ नहीं लगा है, वैसे थाना अध्यक्ष आरओ लगवाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पर शस्त्र के साथ प्रदर्शन करने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें। शादी, अन्य समारोह के अवसर पर हर्ष फायरिंग करने वालों को चिन्हित कर नामजद प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार करें। जदयू के कर्पूरी सभागार में भोरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बिहार सरकार के मध्य एवं निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बैठक किया। इसकी बैठक की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शाही ने किया। इस बैठक में भोरे विधानसभा के 9 मनोनीत प्रभारी संजय कुमार कुशवाहा को अंग वस्त्र देकर जिला अध्यक्ष ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हमें विकास की रणनीति करनी है, न कि भेदभाव की रणनीति।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भोरे विधानसभा में अनेक योजना दिया गया है और उस पर काम तेजी से चल रहा है। मंत्री ने कहा कि खुद पंचायत स्तर पर जाकर अपने क्षेत्र की जनता से मिलूंगा और मैं प्रखंड स्तर से भी निवेदन करता रहूंगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा को जीतने के लिए हम सभी को हर एक बूथ पर जाकर नीतीश कुमार की बातों को समझाना है। भोरे विधानसभा में लगभग 200 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है और आने वाले समय में भोरे विधानसभा के लोगों को खासकर युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोशिश करता रहूंगा। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। इस बैठक में प्रदेश महिला महासचिव निरुपमा सिंह, राघवेंद्र सिंह, मनोज तिवारी, अवध किशोर, मोहन सिंह, बिंदा कुशवाहा, नंदलाल मौर्य, वीरेंद्र चौरसिया, रितेश राय, संतोष कुशवाहा, राजू कुशवाहा सहित तमाम जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।